उत्तर प्रदेश में 2.5 साल की नन्ही ट्विंकल के हत्यारों को जल्द सजा देने के लिए कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय के बाहर विभिन्न संगठन इकट्ठा हुए और ट्विंकल के हत्यारों को सजा हो के नारे लगाते हुए लघु सचिवालय के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ट्विंकल के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द सजा देने की मांग की और ऐसा ही प्रदर्शन का दृश्य सफीदों में देखने को मिला, जहां उज्जैन में 3 साल की बच्ची के साथ हुई अमानवीय घटना के विरोध में कुछ युवाओं ने SDM को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द सख्त सजा देने की मांग की। चलिए देखते हैं प्रदर्शनकारियों का बच्चियों के साथ हो रही घटनाओं पर क्या कहना है। अरे 2.5 साल की बच्ची जिसे अब तक ये भी नहीं पता था कि आपकी जात और धिकार इस देश के अंदर किए जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो मठाधीश बने बैठे हैं। आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं वो जो 2 जून को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर एक 2.5 साल की बच्ची के साथ वहशियाना हरकत हुई है, वहशियाना दरिंदगीपन किया गया है, जो आज तक भारतवर्ष में इससे बुरा हाल नहीं हुआ। हम बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आज प्रशासन के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और हत्यारों को तुरंत फांसी हो, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो इस देश के अंदर ये चीज़ बढ़ती जाएगी। और बेटी चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो, बेटी बेटी होती है। मुझे गर्व है कि पीछे कठुआ कांड में जो 6-7 महीने में रिजल्ट आया है, मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ उस रिजल्ट से। हम मांग करते हैं फांसी की उनको भी, पर हम ये चाहते हैं उसी तर्ज पर हमारी इस ट्विंकल बेटी को भी इंसाफ मिले। क्योंकि हमें मांग जो ज्ञापन देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें लग रहा है कहीं ना कहीं इस मामले को धर्म और जाति के तराजू में तोला जा रहा है। क्योंकि पहले पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री, पूरी बुद्धिजीवी वर्ग, जो देश को अपने आप का बुद्धिजीवी वर्ग कहता है, और सभी राजनेता और मीडिया, पूरे देश में इन्होंने हाहाकार मचा दिया था कठुआ कांड में आसिफा को इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन आज वो सभी लोग मुंह में दही जमाए बैठे हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, या चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, या सत्ताधीश कोई भी हो, अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे वो बेगूसराय से कन्या कुमार जी हों, या गिरिराज जी हों, या लालू प्रसाद यादव के दोनों सुपुत्र हों, या अखिलेश यादव हो, या माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट योगी जी हों, वो सभी लोग चुप बैठे हैं। मीडिया से भी जो रवीश कुमार, जिसको एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में माना जाता है, उसकी मुंह में भी दही जम चुका है। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये धर्म के तराजू में तोला जा रहा है कि ये बेटी की बहुसंख्यक की है, और जो इसके हत्यारे हैं, दरिंदगी करने वाले हैं, वो मुस्लिम संप्रदाय से हैं। इनको ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन में आपकी क्या क्या मांग थी? ज्ञापन में यही मांग थी, क्या ये जो लड़की के साथ ये अश्लील घटना हुई है, इसमें इसके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अगर ये सजा नहीं दी गई, राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन सौंपा गया था कि भाई कड़ी से कड़ी सजा या फांसी दी जाए उनको, और अगर फांसी नहीं मिली तो हम जंतर मंतर पर जाके अपना जो धरना प्रदर्शन करेंगे। और धरना प्रदर्शन में यही मांग होगी कि तब तक इन आरोपियों को मारा नहीं जाए, या इनके जो भी है संगीन जुर्म है ये लगातार ऐसे अपराध हो रहे हैं, तो इनका लगाम कैसे लगाई जाए, आप थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। इनको एक नया कानून लागू किया जाए भाई, जिस जो भी है जो रेप वाले हैं उनको सीधा फांसी दी जाए, तभी इनका लगाम लगाए। रोज किसी न किसी स्टेट में घटना घटती रहती है, और ये ज्यादातर यूपी में ज्यादा है, यूपी में, दिल्ली में, तो इसको रोका जाए, मतलब फांसी होगी। मांगते हैं सरकार से, हम मांग करते हैं कि जिसने यो कांड करा है, इतना लड़की मारी है, आंख निकाल ली है उसकी, और फिर हर महीने में 2-3 कांड तो हो जाए हैं, और सरकार इसलिए बनाई थी कि मतलब इन सारी चीज़ों पर रोक लगा और एक बढ़िया तरिया देश में कानून व्यवस्था चल रहा है, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ज़रूरत है सख्त कदम उठाने की। कल हमने SDM से भी मिले हैं और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है इस विषय में, और ज्ञापन में ये लिखा गया है कि आरोपियों को फांसी देनी चाहिए, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, राष्ट्रपति इसको पारित नहीं करता, तो जंतर मंतर पर एक आंदोलन करेंगे और बैठ कर अपनी आवाज़ उठाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, उसको सजा नहीं मिलेगी, हम जंतर मंतर पर धरना देंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।